हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। दिनकर, नबीता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नबीता डाइड ऑन 30th June 2017। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर ₹6 lakh। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। The firm closes its books on 31st March every year. Calculate Navita's share of profit. आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे पहली बात ये पेज नंबर कौन से पे इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 7.30, आंसर नंबर 1 करेंगे, लिखा जाएगा दिनकर, नवीता और वानी तीन पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। डिजीज पार्टनर कौन है, नवीता। उसकी डेथ है कब, 30th June 2017 की गिवन है। फिर बोल रखा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विच वॉज बेस्ड ऑन दिस सेल। इनकी जो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है वो सेल के ऊपर है, तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो भी सेल के ऊपर है। वो भी लास्ट में लिखा है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो लास्ट के 4 सालों से जो भी सेल हुई है कंपनी की उसके 10% हो रहा है। तो सेल देखते हैं हम, जो सेल हुई है इस साल उसकी डेथ तक वो कितनी हुई है, 6 लाख। 6 लाख क्या है, ये हमारी सेल है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 10% निकाल लिया जाएगा, यानी कि 10/100। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60,000। अभी प्रॉफिट किसका कैलकुलेट किया है हमने, जो प्रॉफिट आया है बच्चों ये प्रॉफिट आया है फर्म का। तो डिजीज पार्टनर को पूरी फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डिजीज पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा। तो डिजीज पार्टनर कौन है, यहां लिखेंगे नवीता, लिखेंगे नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो फॉर्म का प्रॉफिट आया था मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सिंपल सी बात, एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में हर शेयर। आप यहां देखोगे प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। अब यहां पर टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, अब ये क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन में देखिए हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि जो ये हमारे पास सेल दी गई है वो उसकी डेथ तक की, यानी कि 30 जून तक की हमें सेल दी गई है, तो टाइम इसमें पहले से इंक्लूड है, इसलिए टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके शेयर से, उसका शेयर कितना है 2/6, वो कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। क्वेश्चन 7 हमारा कवर हो चुका है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, अनिल, सुनील और हरी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सुनील डाइड ऑन 31st December 2020। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2020 एंड नेट प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एट 6 लाख। पास द जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि तीन पार्टनर हमें दिए गए हैं। क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 था बच्चों, और अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, अनिल, सुनील और हरी तीन पार्टनर्स हैं, वो भी हमारे बच्चों क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं। और डिजीज्ड पार्टनर कौन है जिसकी डेथ हो गई है, सुनील। ये डेथ कब हुई है बच्चों, उसकी 31st
2020 को, 31 दिसंबर 2020 को इस पार्टनर की डेथ हुई है। फिर लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2020, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारा कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा था, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा था आपका 31 दिसंबर 2020 तक का है, और उसकी डेथ भी 31 दिसंबर 2020 को हो गई है। और जब बिल्कुल ही सेशन खत्म होने के बाद, बिल्कुल सेशन खत्म हुआ उसी दिन अगर डेथ हो चुकी है, तो फॉर्म को जितना प्रॉफिट कमाना था कंपनी कमा चुकी है। नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 6 लाख, अगर नेट प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और भी ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको पता है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो कहाँ कमाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट वहां आता है, बट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। तो वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ किया जाएगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जर्नल एंट्री का मैं ये फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है। डेट क्या होगी, जिस दिन सेशन एंड हुआ है, जिस दिन उसकी डेथ हुई, तो लिखेंगे 2020 दिसंबर 31। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीस कैपिटल अकाउंट, वो भी इनकी गिवन रेशियो में। तो फर्म का प्रॉफिट कितना था, 6 लाख रुपीज, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1, यानी कि इक्वल में कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज ईच, 2 लाख रुपीज ईच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 7 कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहां दिया गया है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन 25th February 2019 बी डाइड, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट 5000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आप यहां देखेंगे जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लिखेंगे ए बी सी पार्टनर्स हैं हमारे, ए बी सी तीन हमारे पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 2:2:1। आगे हमें क्या दिया गया है, ऑन 25th February 2019 बी डाइड, बी की डेथ हो गई है बच्चों, वो भी कब हुई है, 25th February 2019। आगे हमें क्या दिया गया है कि बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड 5000, यानी कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी, यहाँ पर सीधा प्रॉफिट का पैसा हमें कैलकुलेट करके दे दिया गया है, हमें जस्ट एक नेसेसरी एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया जाएगा, डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट हमने फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट बनाने के बाद एक जल्दी से हम इसको एंट्री पास कर देंगे। तो लिखेंगे 2019 फरवरी 25, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर कौन है हमारा, बी लिखा जाएगा, टू बी इस कैपिटल अकाउंट, और कितना पैसा दिया जाएगा, यहां दे रखा है 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन 10 में हमें दिया गया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, बी डाइड ऑन 30 जून 2021 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, बैड डेट ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज ₹14000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। देखो आसान सा क्वेश्चन है, तो एक बार इंफॉर्मेशन इसके लिखते जाते हैं, हम यहाँ पे दिया है हमें ए बी और सी पार्टनर्स हैं,
अब एबीसी किस रेशियो में पार्टनर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3:2:1 में वो पार्टनर गिवन है। पार्टनर बी की डेथ हो गई है, इसको हमने सर्कल कर लिया। ये डेथ कब हुई है, 30 जून 2021, तो यहां लिखा जाएगा 30 जून 2021 को पार्टनर की डेथ हुई है। उसके लिए बोला गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 proportionate profit of 2021 is to be taken into consideration. जो 2021 का profit है उसको consider करके आपको काम करना है, इन्हें diseased partner का share 2021 के profit को consider करके देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको bad debt भी दिए गए थे, और जो profit दिया गया था 2021 का जिसको हमें consider करना है, उस वो profit दिया गया है before adjustment, वो adjustment करने से पहले का दिया गया है। तो जो base मानना है वो कौन सा profit होता है हमारा, profit आफ्टर एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको एक्चुअल प्रॉफिट माना जाता है। तो प्रॉफिट था कितना 2021 का 14,000, उसमें से लेस क्या करेंगे, जो बैड डेट हो गया था इनकी, इस बैड डेट को लेस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा। तो इस बैड डेट को हमने लेस कर दिया तभी हमारा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ पाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बच्चों हमारा कितना आ गया, 12,000। अब वही पुराना फॉर्मूला है हमारा, किसका लिखेंगे, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। प्रॉफिट कितना कंसीडर करेंगे, 12,000, टाइम कितना कंसीडर किया जाएगा, जून तक का सेशन एंड हो रहा है मार्च में, तो यानी हमारे डिजीज पार्टनर ने नए सेशन में अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, और जून 30 को उसकी डेथ होगी, तो कितने महीने काम किया, 3 मंथ। टाइम कितना कंसीडर किया जाएगा, 3/12 मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर कितना है, 2/6, यानी कि 2/6 इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,000। तो यानी कि पार्टनर बी का, यानी कि डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया, 1,000। हमें कैलकुलेट भी क्या करना था, यही करना था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में दिया गया है, राम मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, हरी डाइड ऑन 30th June 2021, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डेथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 2020 और 2021 वर रुपीज 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। यानी कि डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पर, हरी, उसका प्रॉफिट का शेयर आपको कैलकुलेट करना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो पार्टनर के नाम क्या है, राम, फिर क्या है मनु, और फिर क्या है हरी। तीन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो इक्वल पार्टनर कंसीडर कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर हरी है उसकी डेथ हो गई, डेथ कब हुई है उसकी, 30 जून 2021 को, तो यहां लिखा जाएगा 30th June 2021। आगे आपको क्या दिया गया है कि 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है उसको बेस मानकर आपको प्रॉफिट का शेयर देना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट देखेंगे कितना गिवन था, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 ओवर 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब 1,20,000 तो बेस प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट किसको देना है, हरी को, तो यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या लिखा जाएगा, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज
शेयर लिखा जाएगा प्रॉफिट इनटू में टाइम इनटू में हिज शेयर। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना कंसीडर करना पड़ेगा, देख रहे हैं प्रॉफिट कितना कंसीडर करना पड़ेगा जो हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 120,000 हमारा प्रॉफिट इनटू में टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना है यहां देखेंगे जून में उसकी डेथ हो गई है, तो उसने नए सेशन में अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, टाइम कितना लेंगे 3 मंथ। तो यहां आ जाएगा 3/12 मल्टीप्लाई करेंगे हरी जी का शेयर कितना है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10,000, यानी कि हमारे डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। उस बोला गया था कि जी आपको प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है और उसकी क्या करनी है एक जर्नल एंट्री भी पास करनी है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री भी आप लोगों को पास करनी है। छोटा सा एक फॉर्मेट बना लिया जाएगा और डेथ डेथ कब हुई है 30 जून यानी कि 2021, और यहां लिखा जाएगा कितना है June 30। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी दी जाएगी 10,000, ठीक है। बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।